गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई नेम इज रितिका राठौड़। आई विल टीच यू सब्जेक्ट मैथ्स फॉर क्लास फोर्थ। आज मैं आपको आपका चैप्टर नंबर 1 नंबर एंड न्यूमरेशन, इसमें आपको नंबर्स एंड न्यूमरेशन के बारे में पढ़ना है। ओके, पहला क्वेश्चन है सॉल्व द क्रॉसवर्ड बाय यूजिंग गिवन क्लूज। कुछ क्लूज दे रखे हैं और नीचे ये जो क्रॉसवर्ड है ये अपन को, ये वाली क्रॉसवर्ड अपन को सॉल्व करनी है। ओके, इन क्लूज के द्वारा। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला, अक्रॉस मतलब ये, अक्रॉस किसको बोलेंगे, इसको, ऐसे को, और डाउन मतलब ऐसे को। ओके, अक्रॉस मतलब डाउन मतलब ओके। पहला पहला क्या देखा है, नंबर थ्री, ये रहा नंबर थ्री। राइट है 9908 इन फिगर। आपको इस फिगर के अंदर क्या लिखना है, 9908 लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे, मैं बताती हूँ कैसे लिखोगे। तो इसमें लिखोगे 9000, क्या है 9908 है ना, तो 9908 ऐसे लिखा जाएगा। अब ये अक्रॉस में तो ऐसे लिखा गया, ठीक है ना। सेकंड बोला है एट नंबर कहाँ है, ये रहा एट नंबर, ये भी ऐसे ही है। इसमें क्या लिखना है, द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर, जो स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर होती है ना, स्मॉलेस्ट, उसको प्लस 12 कर देना। स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर कौन सी होती है, 1000 होती है, 1000, इसमें प्लस 12। तो 2 का 2, 1 का 1, 0 का 0, 1 का 1, क्या आया 8 में। तो आंसर क्या निकला अपने, 1012। तो अपन को ये अक्रॉस वर्ड में लिखना है, तो 1012। सेकेंड है प्लेस वैल्यू ऑफ 2 in 2896। अब इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू वो 10,100, 1 10,100, वो वाला होता है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू जैसे कि नंबर क्या दिया है अपन को, 2309, तो इसको लिखेंगे 2, फिर इसको लिखेंगे 0, इसको लिखेंगे 0, इसको लिखेंगे 0, फिर इसकी 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 3, फिर इसको लिखेंगे 0, इसको लिखेंगे 0, फिर 0 की प्लेस वैल्यू 00, इसकी तो कोई प्लेस वैल्यू नहीं, 9 की 9 आ जाएगा, समझे। तो इसकी प्लेस वैल्यू अपन को ये 9 में लिखना है। तो 9 में अपन को क्या पूछा था, 2 की प्लेस वैल्यू, 2 की प्लेस वैल्यू क्या निकली, 2000, तो ये यहाँ पर लिखा जाएगा। पहले अपन ने क्या किया था, 3 वाला किया था, उसमें अपन ने लिखा था 9908। ओके, फिर अपन ने 4 डिजिट में 12 प्लस किया था, वो अपन को नंबर 8 में लिखना था, तो आंसर आया था 1012 1012। अब 9 में लिखना है, प्लेस वैल्यू निकाली तो 2000 आई थी, तो 2000 इस पर लिखी, फिर लिखा है, फिर 10 में क्या करना है, 10 ये रहा, टेन को व्हाट कम्स आफ्टर, इनके बाद, इसके बाद क्या आता है, व्हाट कम्स आफ्टर, नंबर दे रखा है 2309, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, 2309,
जीरो वन जीरो, टेन आ जाएगा ना, नाइन लिखा हुआ है, वन जीरो। फिर अब डाउन, अब जो भी है सब डाउनवर्ड्स में लिखे जाएंगे, अपन ने पहले अक्रॉस वर्ड में लिखा था, अब डाउनवर्ड्स में। नंबर वन, द ग्रेट थ्री डिजिट नंबर, द ग्रेट थ्री डिजिट नंबर वॉज 999, वो किस में लिखा जाएगा, वन में, 999 लिखा ना। फिर पूछा है व्हाट कम्स आफ्टर द 4890, मतलब इससे पहले नंबर कौन सा आता है, टू कहाँ है, ये रहा, तो इधर आएगा 4890 है, तो 4890 से पहले क्या आएगा, 4891, ओके। अब इसमें लिखा जाएगा प्रीडिसर्स, फोर्थ में क्या लिखना है, प्रीडिसर्स ऑफ 100, अपन को इसमें कहाँ गया नंबर फोर, ये रहा नंबर फोर, नंबर फोर में क्या आएगा, उल्टा लिखा ना मैंने इधर, नंबर फोर में क्या आएगा, वापस गलत लिखा है, द 999 इधर ऐसा आएगा, तो अपन को प्रेडिक्शन मतलब माइनस माइनस होगा, माइनस वन हो जाएगा 99, तो इधर नाइन तो लिखा हुआ ही है, 99 ऐसे लिखना है, 99 क्या हो जाएगा, 99। फिर फिफ्थ नंबर, द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर, फिफ्थ कहाँ है, ये रहा, स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर क्या होता है, अभी बताया था मैंने, 1000 होता है ना, तो 100। फिर सिक्स नंबर, व्हाट कम्स जस्ट बिफोर द 9113, 9113 के बाद क्या आता है, 9113 के पहले, तो ये सिक्स में निकला है, पहले पहले आता है 9112, तो इधर आ जाएगा 9112, ये भी हो गया। सेवन पूछा है द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर अपन को सेवन में लिखना है, तो वेयर इज सेवन, 8, 10, 11, 6, ये रहा 6, 7, स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर क्या होगा, 100, 100 ही होगा, फिर होगा 11, क्वेश्चन पूछा है 9, 9 में अपन को लिखना है, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग डिजिट 0732, अब इसी डिजिट को यूज करके सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनेगा, 2037, ये इसी डिजिट को यूज किया अपन ने, उल्टा सीधा करके सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बना दिया। अब 11 में क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द 4 इन द 34100, तो आपको क्या करना है, आपको इधर करना है फेस वैल्यू बताना है और डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, आपको इन दोनों का डिफरेंस बताना है, तो इधर क्या आ जाएगा, 396, ओके, ये फिल हो गया, ये सिर्फ आपको कॉपी में ही करना है, सिर्फ बुक में करना है, ओनली फॉर बुक, कॉपी में नहीं करना है, ओके, ये आपको सिर्फ बुक में करना है। नेक्स्ट है एक्सटेंशन ऑफ नंबर अप टू 999999, पहले आपने पढ़ा होगा वंस, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000,
फिर 10,000, फिर लैक, लैक में हो जाएंगे। ओके, तो फाइव डिजिट नंबर क्या हो गया लास्ट बड़ा, ये हो गया 9999। ओके, इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न नंबर ऑफ अबाउट 999। वी नो दैट वन मोर देन 9 इज 10 और 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। द वन मोर 9 देन 99 इज 100 और 99 प्लस 1 100 1000 999 प्लस 1 1000 फिर 999 प्लस 1 10000 वी हैव रीड एज 10,000। तो अपन ने क्या रीड किया 10,000। ओके, अब आ गया सिक्स डिजिट नंबर 999 लैक में। ओके, लैक 1 लैक, अभी बताया था मैंने 10,000 के बाद क्या आएगा 1 लैक। ये कुछ एबेकस में नंबर दे रखे हैं, इनको फिगर्स में भी दे रखा है और नंबर्स में भी दे रखा है। 32,596, 67,018, 9,99,999। ओके, रनिंग सम्स, कुछ सम्स दे रखी है, अपन ये सम्स करेंगे। अब ये भी आपको कॉपी में नहीं करनी है, सिर्फ बुक में करनी है, ठीक है ना। अब इनको प्लस करना है, सिंपल सा है, प्लस करना है। क्या लिखा हुआ है 2200, तो ये 2200 प्लस 80 टेंस, तो कैसे क्या नंबर आएगा, इधर हो जाएगा 100, तो इधर हो जाएगा 0, इधर 80, तो इधर टेंस लिखा हो तो 10, तो ये हो गया, इसका आंसर हो गया 3000। 14,000 मैं ऐसा क्या प्लस करे तो 30,000 हो जाए, तो इधर आंसर आएगा 16,000। 9 प्लस 8 प्लस 4, तो इसको कैसे करेंगे, पहले इनको 8 में से 4 गया तो बच्चा 4, फिर इसको माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ये प्लस हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो इधर आ जाएगा, 9 में से 4 गया तो कितना बचा 5 बचा, तो आंसर आया 5, 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5, आंसर क्या आ गया 5। अब इनको काउंट करना है, इनको प्लस करना है, 1 प्लस 2, 2 3 प्लस, फिर 2 प्लस 3, फिर 3 प्लस 7, फिर 8, फिर 9 प्लस करके जो डिजिट आए वो डिजिट आएगी आपकी 30। ये सिर्फ कॉपी में करना है आपको, बुक में करना है, कॉपी में नहीं करना है। अब आपको ये कॉपी में करना है एक्सरसाइज नंबर 1। ओके, ये यहाँ पर कॉपी में करनी है आपको। आपको कॉपी में कैसे करनी है बता देती हूँ, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ आपको नंबर नेम्स लिखे, इनके नंबर नेम्स लिखने हैं आपको, सिर्फ आपको सिर्फ इनके नंबर नेम्स लिखना है। ओके, आपको क्या करना है, आपको डेट डालनी है, फिर वन लाइन लीव, फिर चैप्टर लिखना है, चैप्टर 1 नंबर एंड न्यूमरेशंस, चैप्टर 1 लिखोगे उसके बीच में 1 लाइन लीव होगी, फिर नंबर एंड न्यूमरेशन लिखा जाएगा उसके बीच में भी 1 लाइन लीव होगी, फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा जाएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो बुक में लिखा हुआ वो क्वेश्चन लिखना है, फिर उसका ए डालना है वो लिखना है, फिर इक्वल टू लिखा के उसका नंबर नेम्स बना के लिखना है। आपको मैं पूरा डिटेल में बता देती हूँ एक बार कैसे क्या करना है। क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन था, क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या था अपना,
राइट द नंबर नेम्स. तो ये क्वेश्चन कैसे लिखना है, चैप्टर लिखा, नाम लिखा, एक्सरसाइज नंबर वन, क्वेश्चन इसके बीच में वन लाइन लीव, क्वेश्चन नंबर वन, राइट द नंबर नेम्स, फिर ए, फिर ए आपको क्या दे रखा था, टेन थाउजेंड. जीरो वन जीरो, फिर इजिकल टू लगा के इधर आपको लिखना है, तो इसका होगा टेन थाउजेंड, टेन थाउजेंड टेन. फिर नंबर टू बी, फिर वो ऐसे नंबर लिखना है, इजिकल टू लगाना है और इधर नंबर नेम्स लिखना है, आपको ऐसे ही कॉपी में काम करना है. ओके, सेकेंड दे रखा है 82,886. अब इसको कैसे लिखेंगे, मैं आपको लिख के बता देती हूँ. इसको लिखना है क्या था, 82,800, 82,886 ये था ना, 82,886. इक्वल टू लू ई आई, इन दोनों के बीच में भी वन लाइन लीव, 82,886. मेरे लाइन नहीं थी तो मैंने नीचे लिखा है, आपके लाइन है तो आप आगे लिखोगे. फिर इधर सी नंबर डालना है. ओके, फिर ऐसे ही लिखते जाना है. दो मैंने करा दिए, तीन आप अपने आप से करोगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द न्यूमरल्स. ये क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आज अपन इतना ही करेंगे. आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं करना है, ऊपर ये सिर्फ बुक में करना था, और ये वाला भी बुक में ही करना है, रनिंग द सम्स. सिर्फ ये क्वेश्चन करना है, राइट द नंबर नेम्स. ये वाला राइट द न्यूमरल्स अपन कल करेंगे. थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही. स्टे होम, स्टे सेफ.